तो हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी यूनिट, ठीक है। एनर्जी यूनिट जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होती है, ओके। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो इस वर्ड को ध्यान से तोड़ना एक सेकेंड के लिए अपने आप ही। मेगा प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वोल्ट, ठीक है, तीन वर्ड बनने हैं। यहाँ पे कुछ वोल्ट वाला कुछ मैटर है, कुछ इलेक्ट्रॉन वाला मैटर है। एक सेकेंड को, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन वाला मैटर है और यहाँ पे कुछ मेगा मतलब 10^6। तीन चीज समझ में अपने आप आनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने अभी तक पीछे की वीडियोज नहीं देखी तो सबसे पहले उनको देख के आओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पीछे की वीडियोज से रिलेटेड है, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का, ओके। कंप्लीट प्लेलिस्ट हो चुकी है, अब ये लास्ट वीडियो इस चैनल पे इस चैप्टर की, ओके। तो देखो तीन वर्ड आपको यहाँ से सोचना चाहिए। अब देखो मैं इसको पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देखो एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर एक्सेलरेट करना है तो 1 MeV की जूल की एनर्जी चाहिए होगी। देखो अब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें पढ़ो। यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सबसे पहले दोस्त, ओके। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसको हाईलाइट करके, एक सेकेंड। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, समझ गए। तो उसके देखो पहले फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो Q इंटू V हो रहा है, तो Q क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V जो है कितना है, 1 V का पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। और Q कितना था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये दो चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखो सिंपली करा क्या है, V मतलब वोल्टेज इक्वल टू Q इंटू V, और V की वैल्यू कितनी रख रही है इन्होंने, 1 V, ओके। तो 1 eV इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं 1 eV इक्वल टू 1.16.02 इंटू 10^-19 -19 J। दोस्त एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो उसके लिए एनर्जी भी बहुत छोटी है, समझ गए। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बस हम उसमें क्या होता है मिलियन टाइम्स में, ठीक है। मिलियन होता है मतलब 10^6 में। देखो 1 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये तो अभी तक पीछे से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 10^6 मतलब मेगा वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पावर में क्या हो जाएगा, 6 में +6 में -19 जब जोड़ोगे क्या होगा, 13 आ जाएगा, वो भी माइनस का, बिकॉज अभी माइनस का 19 ज़्यादा है, ओके। तो 1 MeV या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी बोल दो आप इसको, ओके। दोनों होता है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं दोनों होता है, अब देखो पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ओके। देखो ये होता है आपके इस चैप्टर में तो बेसिकली यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो 12th क्लास में होगे, एटम न्यूक्लियर वाला चैप्टर है उसमें भी यूज होगा, सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर है इसमें भी यूज होगा, समझ गए। ये एक यूनिट हो जाएगी किसके लिए, एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई, बस इसकी वैल्यू समझाने की थी इसमें, ठीक है। और इसका मीनिंग समझाने के लिए आपको था कि इसका अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन अगर आप बनाने लगो तो दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। एक इलेक्ट्रॉन को, ओके, एक इलेक्ट्रॉन को जो मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मतलब 1.6 × 10^-19 कूलम चार्ज, ओके। इतने को अगर 1 V पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट करना है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, समझ गए। देखो दोबारा सुनो मैं क्या बोला मैंने, कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 V पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराना हो तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम डील करते हैं 1 million eV या 1 MeV, ओके। ये चीज़ समझने की है। इसको देखो मिलियन यहाँ पे लिख रखा है, आप वहाँ पे 12th क्लास में बोलोगे मेगा, यहाँ पे मेगा मिलियन ही लिखना आप, ठीक है। मैंने तो मतलब ये एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी आपको। फिर द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ओके दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दोस्त इसको समझने से पहले पीछे के वीडियो में हमको याद करना होगा क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन जो थी वो क्या बता रही थी, वो बता रही थी कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, समझ गए, कौन सी वाली में, जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी, ओके। तो देखो हमने क्या पढ़ा उसमें, हमारा मास जो है कुछ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ओके। इसमें सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है। देखो फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, E इक्वल टू MC², ठीक है। एनर्जी निकल के आएगी मास के हेल्प से, ठीक है, मास इंटू C², यहाँ पे C क्या है सबसे पहले समझो, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके।
जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो, या 2.9998। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, मतलब इसको ना याद रख के आप सीधा सिंपली याद रखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए हो जहाँ पे किसी भी कैलकुलेशन में, तो इसको वैल्यू को रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो एटॉमिक मास माना गया है, मतलब एटॉमिक लेवल पे जो मास माना गया है वो कितना माना गया है, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यही मास हम छोटे लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। और दोस्त ऐसी तो हो रहा था एनर्जी में भी, छोटे छोटे जो होते हैं मास वो कन्वर्ट हो रहे थे एनर्जी में, कौन से, न्यूक्लियर फ्यूल के। अब देखो मास की वैल्यू ये रही, सी की स्पीड ये रही। अब देखो सिंपली फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना आ जाएगा, 1.4 × 10⁻¹, ओके, जूल्स। अब ये जो है ये एनर्जी तो निकल गई है, एनर्जी की यूनिट तो आपको पता होनी चाहिए, जूल है, ओके। तो ये जूल्स में यहाँ पे लिख दी गई है। फिर इसके बाद में वन यूनिट इक्वल टू, मतलब अब एएमयू को हम सीधे यूनिट लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये चीज़ समझ में आने की मतलब बात है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एएमयू इक्वल टू वन यूनिट। अब इसको पूरे को डिनोट कर रहे हैं हम यूनिट से। फिर इसके बाद में ये वैल्यू सेम एज इट इज जूल में लिख दी गई है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको जो मैं बता देता हूँ अभी दोस्त, याद होनी चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी क्वेश्चंस में पूछ ली जाएगी, अभी भी 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी, और सैंपल पेपर के जो प्रॉब्लम है बताता आ रहा हूँ बार बार। करना क्या है, मेरी वीडियोस को देखने के बाद तुरंत एक बार अपने नोट्स को रिवाइज मारना है, तुरंत के तुरंत दोस्त क्वेश्चन करना है, ठीक है। किसके, सैंपल पेपर के। आपको वहाँ पे क्या दिखेगा कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पे रखे हुए मिलेंगे, ओके। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीधे वहाँ पे क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे, सेम जो जैसे मैं इसको वैल्यू को बता रहा हूँ, फॉर्मूले को बता रहा हूँ, मास बताया, सी बताया, ये सेम एज इट इज वहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं ना, देखो ये चीज़ याद हो गई आपको। फिर देखो लाइन, नेक्स्ट लाइन, इसको समझना बहुत अच्छी तरीके से। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.492 × 10⁻¹ जूल, यही वाला है, ओके। वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी, समझ गए, दिस एनर्जी फ्रॉम जूल टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी पढ़ के आए हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹³ जूल। देखो इस वैल्यू से और इस वैल्यू से हम रिलेशन निकाल देंगे इस वाली एनर्जी का, ओके, एटॉमिक मास यूनिट का और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखो सीधी सीधी बात है दोस्त, इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखो इतने जूल होती है एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो ये रहा 1.6, सीधा यहाँ पे रखा है कितने के बराबर, 1 मिलियन वोल्ट के बराबर, ओके। देखो ये रहा, ये दो चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद में वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 931 × मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसमें अगर आप 931 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो दोस्त वो आ जाएगा ऊपर वाला। या तो देखो मैं कैलकुलेटर से, आप खुद भी करके देखना, ठीक है, मुझे पता है मैंने करके देख लिया है, लेकिन आप भी करके देखना। इस वाली वैल्यू में इससे मल्टीप्लाई करोगे, ओके, सॉरी डिवाइड, इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे 931 से, ठीक है। और तो आपको देखो ये वाला मिलेगा वैल्यू, ठीक है, अभी मैंने बता दिया, लेकिन आप करके देखना, ओके। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप का रिएक्शन, ओके। देखो दोस्त, जब मैं लेक्चर 9 पे था तो मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा था, एक पे आके टकराता हैवी न्यूक्लियस में, टूट रहा था फ्यूजन वाली प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, समझ गए, मतलब साथ मर्ज हो जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे। ये चीज़ समझ में आने की बात है। देखो वर्ड का मीनिंग ये है, द वर्ड फ्यूजन मीन्स जॉइन, जो मैंने अभी हिंदी में बोला, ओके। अब इसकी डेफिनेशन याद कर लो और लिख लो भी, द प्रोसेस इज मीन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट, समझे, मतलब हैवी एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 235 था, मतलब 235 एटॉमिक, समझ गए ना, इतना बड़ा हैवी नहीं होगा यहाँ पे होंगे छोटे छोटे न्यूक्लियाई। क्या कौन कौन से, देखो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन तो आई थिंक सबसे ही लाइटेस्ट एलिमेंट है, ओके, जिसके जिससे जो इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस लाइन का मीनिंग समझ गए आप, लाइट का मीनिंग क्या है, मतलब हल्का लाइट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई, समझ गए, दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे और मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है, लाइक हीलियम, समझ गए। देखो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा था, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 2, और हाइड्रोजन का कितना है, सॉरी हीलियम का है 3 और हाइड्रोजन का है 2, समझिए, मतलब दो लाइट मिलके हैवी बना रहे हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन।
समझ गए, ये है इसकी डेफिनेशन कि दो लाइट न्यूक्लियाई एक साथ कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, ओके। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा उनको नोट करते जाना और समझते जाना, ओके। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखो इसमें टू न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ कंबाइन होने का ट्राई करेंगे। अब ध्यान से सुनना, देखो कंडीशन क्या है इसमें कि हाई प्रेशर होना चाहिए और हाई हीट हो जाएगी वहाँ पे। बिकॉज हीट कैसे होगी, पहले सबसे पहले इस कंडीशन को समझो। देखो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखो वो भी। फिर इसके बाद में सोचो एक प्रोटॉन यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, सेम एज इट इज हाइड्रोजन का दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव न्यूक्लियाई का, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर जब रिपेल होंगे एक दूसरे से दूर हटने का ट्राई करेंगे, लेकिन जब ये हटेंगे तो पास में क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये यहाँ पे दूसरा कोई तीसरा या चौथा इस टाइप के अलग न्यूक्लियाई होंगे, जिसके मतलब एक दूसरे के साथ रिपल्सन होता रहेगा, जिसमें एक तो ये समझ गए जो एक दूसरे के साथ रिपेल हो रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर राइज हो जाएगा। पहली कंडीशन समझ गए, दूसरी चीज वहाँ पे हाई इनिशियल प्रेशर और फोर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ को फोर्सफुली कंबाइन करने, बिकॉज आपको पता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूजन में ये जुड़ेंगे, ठीक है, और लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो ये दोस्त भाग रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नली अप्लाई करना होगा ये फोर्स, समझ गए, इस चीज़ को फ्यूज करने के लिए। अब देखो ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, मैं बता रहा हूँ किताब में तो क्या लिखा हुआ है, लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या मतलब सन के ऊपर क्या हो रहा है, देखो सन जो है हमारी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है साइज में, ओके। तो देखो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही समझने का ट्राई करो इस चीज़ को। देखो हमारी जो अर्थ है ना इस पे लगता है 1 ATM का प्रेशर, ओके, मतलब 1 atmospheric प्रेशर। ये प्रेशर पता कितना है, किताब में 9th क्लास में आपको जिसने ठीक से पढ़ा होगा उसको पता होगा, लेकिन मैं अगर नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ कि हमारी बॉडी जो है ना ये इस टाइम भी पता कितना प्रेशर फील कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, जितना है कि एक कार में कार एक प्रेशर अप्लाई करती है ग्राउंड के ऊपर, ओके, ये एक हिंट दे रहा हूँ। तो सोचो ध्यान से सुनते रहना, और सन का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, ओके, तो वो कितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेगा अगर वहाँ पे कोई चीज़ है तो, समझ गए। तो देखो अर्थ अर्थ पे तो ये हाइड्रोजन हीलियम रिएक्शन अभी हम करवा ही नहीं पा रहे, बिकॉज इतना ज़्यादा हमको प्रेशर मिल ही नहीं रहा किसी भी चीज़ से, लेकिन सन का साइज ही ऑटोमेटिकली इतना बड़ा है, ध्यान से सुनो, कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो वहाँ पे उसको ये जो भाग रहे थे ना उसमें इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कि इन दोनों को फ्यूज कराने के लायक काफ़ी है वो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है सन के ऊपर कि वहाँ पे ये जो भाग रहे थे ना प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होके एक दूसरे से और वो हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है। वो किसके हेल्प से हो रहा है, वो सन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो किसकी हेल्प से है, क्योंकि वहाँ का साइज बहुत बड़ा है तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, तो उस प्रेशर की हेल्प से ही वहाँ पे अपने आप ही ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से 50 मिलियन देखो 5 मिलियन साल से तो ये मतलब लाइट दे रहा है, ओके, लाइट एनर्जी, और 5 मिलियन साल और दे गए, अभी पढ़ा था हमने सोलर एनर्जी वाले चैप्टर में, ठीक है, तो समझ गए ना कहने का मतलब, कि वहाँ पे प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा है जिसकी वजह से उसका इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। देखो मिलियंस डिग्री ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इतना चाहिए वो मिल भी रहा है उसे, और मिलियन पास्कल्स ऑफ प्रेशर ये चाहिए वो उसको मिल भी रहा है इस रिएक्शन को स्टार्ट होने से लेकर कंप्लीट चलते रहने तक, ओके। इसमें क्या होता है, देखो देर इज सम लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस। अब देखो एक और एक तो दो हो गए, ठीक है, एटॉमिक नंबर है तो, लेकिन हमारा क्या यहाँ पे लेना देना है मास से। देखो दो और दो कंबाइन होकर कितने होते हैं, 4। अब देखो ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे क्या बनना है, 3। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, समझ गए कहने का मतलब, ये मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ओके ओके, यही चीज़ तो मैंने बताई है अभी यहाँ पे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, समझ गए। अब देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ दोस्त, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना और ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या बोलूँगा। देखो ए फ्यूजन प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट टू फ्यूजन प्रोसेस, ओके, मतलब देखो फ्यूजन प्रोसेस में क्या हो रहा था, वो टूट रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, फ्यूजन प्रोसेस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते रहना, मैं कुछ बोलता जाऊँगा, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना दोस्त, इसमें फ्यूजन में
ये उसके कंपैरिजन में, फ्यूजन वाले प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। देखो साइंटिस्टों ने अभी तक फ्यूजन प्रेस को तो, फ्यूजन प्रोसेस जो थी उसको तो कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल रोड और वो ग्रेफाइट वगैरह अभी पीछे वीडियोज में पढ़ा था, ठीक है, उनको अप्लाई कर करके उसकी टेक्निक हमने अभी तक ढूंढ रखी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो दोस्त, कि फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी इन कंपेरिजन टू फ्यूजन प्रोसेस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तुम ये सोचो, हमने तो फ्यूजन प्रोसेस को इतना तिगड़म्बाजी करके कंट्रोल कर रखा है, लेकिन इसमें तो उससे बहुत ज़्यादा गुना मतलब एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको तो अभी तक हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक तो देखो अर्थ के ऊपर अभी तक कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है, मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस बना नहीं है जिसमें कि हम फ्यूजन करा पाए रहे। अब मेरे को आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों नहीं करा पा रहे, बिकॉज वहाँ पे एक तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। दोस्त कितना टेम्परेचर चाहिए, ध्यान से देखो, मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख डिग्री सेल्सियस, और इतना ही प्रेशर चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि ये प्रेशर कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है दोस्त, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतना पहले प्रेशर हमको बनाना होगा, और इतना पहले टेम्परेचर अर्थ के ऊपर रह के राइज करना होगा किसी भी टेक्निक के हेल्प से, जिसमें कि हम ये हाइड्रोजन के एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर पाएंगे, समझ गए। कौन यहाँ पे देखो कौन सा यूज हो रहा है, टू ड्यूट्रियम एटम एटम्स, ओके, ये तीन वर्ड होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ओके। देखो इनकी पहचान, प्रोटियम में 1 होगा और ड्यूटीरियम में 2 है और ट्राइटियम में 3 होगा, बस ये हिंट है, याद रखना। तो मैंने ये भी रीजन आपको समझा दिया कि अर्थ के ऊपर अभी तक क्यों नहीं बनी है, ठीक है, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा समझ गए, टेक्निकल प्रोसेस है, वो कंट्रोल आसानी से होगी नहीं। और इस पे लेकिन ये मत सोचो दोस्त कि इंसान है थक गया और मान गया, इंसान अभी भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके। और ये आई थिंक 2035 या उसके बाद में, देखो 2035 या 2035 के बाद, जब तक ये शायद प्रोसेस अर्थ के ऊपर लगा लो कितने साल से सोचते आ रहे हैं, उसके अब तक मतलब ये 2035 तक या उसके बाद तक, तब जाके तो कंप्लीट होगी। ये इतनी ज़्यादा समझ गए हार्ड प्रोसेस है, जिसमें कि हमको कंट्रोल करने का ज़्यादा ट्राई, वो ज़्यादा सोचना होगा, बिकॉज दोस्त इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। आपको तो मैंने न्यूक्लियर वाले चैप्टर में बता दी थी कि कितनी ज़्यादा एनर्जी है, समझ गए, उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होगे, ठीक है। वेरी अक्कर सेट वेट है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ये देखो ये सब चीज़ लिख रखी है, और मास नंबर 3 ट्राइटियम, देखो ये रहा जो अभी मैंने बताया था, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। फिर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हाइड्रोजन बम, ओके, इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं दोस्त। हाइड्रोजन बम को समझने के लिए ना पहले इसको देखो विजुअलाइज करना है, समझ गए। ये मतलब बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्त तो इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब लाइफ में आगे तक काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इस फोटो को देखो, तुमको दिख रहा है ना धमाका कितना बड़ा हो रहा है, समझ गए। और ये इतना बड़ा होता है, तुम दोस्त ये सोचना कि अगर किसी शहर पे या किसी बड़े कस्बे पे मार दिया जाए ना दोस्त, वहाँ पे एक घर तक नहीं बचेगा। ये जो धमाका तुमको दिखाया मैंने अब, ठीक है, इमेज से क्लियर हो गया कि ये कितने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब देखना है इसका प्रोसेस समझने का ट्राई करो। देखो सबसे पहले इसमें ये सोचो कि जो एनर्जी रिलीज होगी, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ये इस नाम से डिनोट हो रही है, देखो हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ तिगड़मबाजी करके ये हाइड्रोजन बॉम्ब बना पाए हम अभी तक, ठीक है। देखना तिगड़मबाजी क्या निकल के आई है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए टेस्टिंग करी गई थी, देखो ये टेस्टिंग मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में, अभी तक कहीं फेंका वेंका नहीं है हाइड्रोजन बम, बिकॉज मैंने आपको बता दिया ना हाइड्रोजन में क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये न्यूक्लियर एटम वाली जो बॉम्ब थे ना इनसे बहुत ज़्यादा, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब इसमें देखो प्रोसेस को समझो पहले थोड़ा सा, देखो हाइड्रोजन बम कंसिस्ट ऑफ हैवी आइसोटोप हाइड्रोजन कॉल्ड ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, समझ गए। इसमें 2 आइसोटोप होंगे, पहला कौन सा होगा ड्यूटेरियम और दूसरा होगा ट्राइटियम, ये इनको नोट करना कि क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए भी जा सकते हैं, आपसे कोई टीचर भी पूछ सकता है, और दो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके साथ में क्या होगा एलिमेंट लिथियम 6, समझ गए, जिसका एटॉमिक मास होगा 6, ये चीज़ समझ गए। अब देखो एक लाइन आएगी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझने के लिए बोल रहा था मैं बार बार इस टॉपिक में, देखो द डेटोनेशन और एक्सप्लोजन, समझ गए, जो धमाका हो रहा है ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज डन बाय यूजिंग एटोम बॉम्ब, समझ गए। देखो एटोम बॉम्ब की हेल्प से इस हाइड्रोजन बॉम्ब को हम बना पा रहे हैं, अब देखना कैसे, इस प्रोसेस को समझने का ट्राई करो। देखो और ये जो एटम बॉम्ब है
ये प्रोसेस कौन सी है? फ्यूजन। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? ये है फ्यूजन। देखो अब फ्यूजन की हेल्प से फ्यूजन करेंगे हम कैसे? देखो लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम अभी तक ऐसा नहीं कर पा पा रहे, बिकॉज तुमको पता है ना ये तो बॉम्ब है दोस्त, एक माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के लिए हुआ खत्म सब कुछ इतनी सेकेंड में। अब देखना कैसे। देखो हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, सबसे पहले हम फ्यूजन प्रोसेस को करा रहे हैं, ठीक है। फ्यूजन की हेल्प से क्या होगा? देखो जब हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। और देखो टेम्परेचर जहाँ पर राइज होगा, अब एक चीज़ सोचो, ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है हम ये कितने मिली सेकेंड में कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड। सबसे पहले देखो उसमें मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो हाई टेम्परेचर है और ये जो अभी देखना शॉक वेव को देखो मैं कैसे रिलेट करूँगा, हाई टेम्परेचर है ओके, और ये कितनी सेकेंड में जनरेट हो रहा है, क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड में। तो देखो हम जब पावर प्लांट पढ़ रहे थे मैंने क्या, और इसको हाइड्रोजन को पढ़ रहे थे, इसमें किस चीज़ की जरूरत थी, मिलियन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, याद आ गया, ठीक है। और ये हमको यहाँ से मिल गया इस फ्यूजन की हेल्प से, ओके ये चीज़ समझ में आ गई। और ये देखो दोस्त ये हो रहा था माइक्रो सेकंड में, तो माइक्रो सेकंड में जब ऐसा धमाका होगा, एक बात तो कभी आपने देखा होगा ना जब बम कभी फोड़ते हो आप दिवाली या किसी भी चीज़ पे, एक शॉक वेव जनरेट होती है। अब देखो मैंने दूसरी चीज़ यहीं पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, शॉक वेव जनरेट होती है, ठीक है, मिलियन ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर, इसकी भी जरूरत है वहाँ पे। देखो जो वो शॉक वेव जनरेट हुई है वो उसको प्रेशर भी अप्लाइड कर देगी। देखो हाइड्रोजन बॉम्ब मतलब फ्यूजन प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर भी मिल गया, कितना मिल गया, 10^6 डिग्री सेल्सियस, समझ गए कितनी बड़ी मतलब हाई टेम्परेचर है, इसी को समझ गए। फिर प्रेशर हमको कहाँ से मिला, कि माइक्रो सेकेंड में कराई जा रही थी सारी प्रोसेस, तो उससे जो शॉक वेव जनरेट होती है दोस्त, उससे जो शॉक वेव जनरेट होती है वो उसको प्रेशर भी अप्लाइड कर देती है। दो चीज़ की नीड थी, दोनों चीज़ मिल गई, ठीक है। किसकी हेल्प से मिली है, ये मिली हमको एटम बॉम्ब की प्रोसेस मतलब फ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से हमको ये दो चीज़ मिल गई। और ये दो चीज़ किसके लिए चाहिए, ये चाहिए थी हमको फ्यूजन कराने के लिए, ठीक है। अब दोस्त देखो ये दो एलिमेंट थे प्रोटियम ड्यूट्रियम, और उनको समझ के मर्ज होने के लिए कंबाइन होने के लिए ये क्या बोलते हैं प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए था, वो मिल गया। अब सीधी सीधी बात है दोस्त, ये वहाँ पे प्रोसेस इग्निशिएट हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ की नीड थी, दोनों चीज़ मिल गए हैं। और सीधी सीधी बात है इसके बाद में तुरंत वो प्रोसेस वहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें हैवी हाइड्रोजन एटम लाइक ड्यूटेरियम ट्रिटियम प्रोड्यूस्ड हीलियम, फिर वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देंगे हीलियम, ठीक है। क्योंकि और वहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, इस पिक्चर को देख के मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि कैसा धमाका होगा, ठीक है। और ये कितने में होगा, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड पता है ना, मतलब एक सेकेंड को अगर आप 1,000,000 से भाग कर दो, समझ गए कहने का मतलब, उतने सेकंड में प्रोसेस खत्म हो चुकी है। और इतने में जो वेव जनरेट हो रही है और वो टेम्परेचर राइज हो रहा है और जो खेल खत्म करेगा ना उसकी चीज़ को तो आप समझ गए, विजुअलाइज करो अपना आप, ठीक है। फिर अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको ध्यान से सुनना। देखो ए हाइड्रोजन बॉम्ब इज एक्चुअली अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, क्या बोला इसने, देखो अनकंट्रोल्ड, ये अभी के लिए अनकंट्रोल है दोस्त, इसीलिए इसको ट्रायल या कोई हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दोस्त अनकंट्रोल है, बढ़ती जा रही है, न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं, वो एक दूसरे को टकरा के और एनर्जी क्रिएट करते जा रहे हैं, समझ गए ना, रेडिएशन फैल जाएगा अगर कहीं पे ऐसे ट्रायल व्रायल होने लगे। फिर इसके बाद में देखो लाइन कितनी अच्छी लिख रही है, दस द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज द सेम एज द सन्स एनर्जी, समझिए मतलब सन एनर्जी पे जो सन से जो एनर्जी मिल रही है ना, और जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब से जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, एनर्जी तो सेम है, ठीक है, एनर्जी तो सेम है, बट ओनली डिफरेंस बींग दैट सन एनर्जी सपोर्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ, जो सन की एनर्जी है उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ चल रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है, आप मैं और पेड़ पौधे ये जो भी जिंदे हैं ये सन की एनर्जी की वजह से जिंदे हैं, ठीक है। लेकिन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब डेस्ट्रॉय लाइफ ऑन अर्थ, समझिए मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर यहाँ पे एक्सप्लोड कर दिया तो आपको तो पता है कि देखो कितना बड़ा धमाका था, वहाँ पे ना एक घर बचेगा ना वहाँ पे एक पेड़ बचेगा, तो पूरी कंप्लीट डैमेज कर देगा लाइफ को, ठीक है, अगर यहाँ पे भी ये फोड़ दिया जाता है। बिकॉज इट, अब देखो नेक्स्ट लाइन, बिकॉज इट इज मच मोर नियर अस टू देन द सन, अब इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे इतना खतरनाक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अर्थ पे मार रहे हैं हम इसको, अगर बम को ट्रायल कर रहे हैं और अर्थ पे ही हम खुद हैं, समझ गए मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम धमाके का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सन जो है, सन हमसे कितने लाखों हजारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, करोड़ों किलोमीटर है, तो
समझ गए, इतनी दूर से एनर्जी, तब जाके इतनी एनर्जी मिल पाती है हमको। हमने सोलर एनर्जी में पढ़ा था ना कि कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है इतनी दूर से भी। सोचो ये अर्थ पे अगर करने लगे हम, समझ, अब आप विजुअलाइज खुद करने का ट्राई करो कि कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और प्लीज नोट दैट द हाइड्रोजन बम इज मच मोर पावरफुल देन एटम बम। ये है देखो सब कुछ कंक्लूजन, समझ गए। मतलब ये साउथ कोरिया के पास है ये, और इसी प्रोसेस से मतलब उन्होंने बॉम्ब बनाया और ट्रायल किया। और सोचो अगर इन्होंने किसी देश के ऊपर या किसी जगह पे ट्रायल और कर दिया, और किसी ने जान पूछ के मतलब इंटेंशनली मार दिया, तो आप समझ सकते हो, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मतलब कितना ज़्यादा डेंजरस है दोस्त ये, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से भी बहुत ज़्यादा, और एटम बम तो तुमको पता है कितना डैमेज करता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा, मच मोर पावरफुल। देखो कितने वर्ड तड़ा लिख रहा है, ये चीज़ समझ जाओ कहने का मतलब ये है, ओके, कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है दोस्त। हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से एक बार चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो दोस्त, फ्यूजन प्रोसेस कराएंगे एटम बम में, एटम बम की हेल्प से, ठीक है। एटम बम में क्या होता है, उस फ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से माइक्रोसेकेंड मतलब मिली सेकेंड में हमको इतना टेम्परेचर मिल जाता है, कितना, 10^6, ओके, मिल गया। वहाँ पर जब एक्सप्लोजन हो रहा है तो एक शॉक वेव जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे जितना मिलियन डिग्री ऑफ पास मिलियन पास्कल डिग्री जो भी प्रेशर था वो भी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, प्रेशर मिल गया। दो चीज़ जरूरत थी हाइड्रोजन बम मतलब फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, दोनों चीज़ मिल गई। वहाँ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है, कौन सा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। वहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट करा देगा, स्टार्ट कराने के बाद समझ गए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी होगी वो अनकंट्रोल होगी, आसानी से कंट्रोल भी नहीं होने वाली। और जहाँ पे होगी देखो समझो, ये फोटो को देख के आप अंदाजे से कि कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब मैंने इसका रीज़न ये सन के साथ कंपैरिजन करा है कि सन जो है वो देखो कितने सालों से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए। और ये अगर अर्थ के ऊपर ये प्रोसेस हम सक्सेसफुल हो गए तो कितने लंबे टाइम तक दोस्त, कितने लंबे टाइम तक हम एनर्जी लेते रहेंगे और हमारे पास कभी एनर्जी की कमी नहीं पड़ेगी। सोचो अगर हमने कर लिया दोस्त, तो एक छोटे लेवल पे एक कार में एक ऐसी हम डिवाइस इंट्रोड्यूस करा देंगे कि थोड़ी सी हाइड्रोजन डाली और आपको पता चले कि ये तो जिंदगी भर भी खत्म नहीं होगा, इसकी जो हाइड्रोजन के अंदर जो एनर्जी है इतनी, समझ गई ना। मतलब एक तो थोड़ा विजुअलाइज करा रहा हूँ मैं, समझने का ट्राई करो कि कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो, थोड़ी सी हाइड्रोजन डाल देंगे और वो कब तक चलेगी, कब तक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, ओके, इस चीज़ को पढ़ते हैं यहाँ पर ठीक से, ओके। इसमें मैं बार बार बोलता आ रहा था कि सन के ऊपर भी ये फ्यूजन रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन हो रही, तो देखो इसमें मैं सिंपली बहुत आसानी बता देता हूँ इसमें कहना क्या चाहिए। देखो द सन विच गिव्स अस हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है, ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन बस इसमें, और कुछ नहीं है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर इंटू हीलियम न्यूक्लियर, समझिए हाइड्रोजन से हीलियम बनना है, विच इज गोइंग ऑन एंड इनसाइड, जो कि उसमें प्रोसेस अभी भी चल रही है एंड ऑल टाइम चलती रहती है, ओके। अब इसकी रिएक्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये याद रख लेना। देखो मैं पीछे भी बोलता आया था कि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर इसको मैं हेल्प करती हैं, ओके। देखो चार एटम है हाइड्रोजन के, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियर बन के और दो पॉजिट्रॉन निकल जाते हैं, और देखो हमारा मतलब तो सिर्फ इससे है, समझ गए। ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसके बाद में देखो एडवांटेज इसका यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल ओवर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्यूजन रिएक्शन मच मोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसका एडवांटेज है फ्यूजन के कंपैरिजन में। और देखो दूसरा अच्छा बात यह है कि तुमको पता है मैंने उसमें बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट बचते हैं बाद में भी, और रेडिएशन फैल जाता है, तो इसकी इसमें इस ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, तुमको पता होना चाहिए। एटम है ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना रहा है, हीलियम, हीलियम तो कुछ भी मतलब खतरनाक एलिमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू उनके बेरियम और क्रिप्टन बनने थे दोस्त, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है एलिमेंट जो बन रहे थे उसमें फ्यूजन प्रोसेस में, समझ गए। यूरेनियम से बेरियम क्रिप्टन बन रहे थे, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हल्का एलिमेंट है। इवन आप जो पानी है, पानी H2O, इसमें खुद हम हाइड्रोजन पी रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब नॉन डेंजरस है, ठीक है। फिर हीलियम में बन रहा है, हीलियम तो ऑलरेडी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये मतलब दूसरे नंबर की वो है गैस, तो इससे कोई मतलब एडवांट मतलब वो नहीं है खतरा, ठीक है। देखो बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, मतलब फ्यूजन प्रोसेस अगर हम करने में समर्थ भी हो रहे हैं तो ये है दोस्त अनकंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब समझने का ट्राई करो,
देखो अनकंट्रोल का मीनिंग क्या है यहाँ पे दोस्त। सपोज करो स्टार्टिंग में आपने एक दो तीन बार ट्रायल किया, अच्छी तरीके से सक्सेस हो गए, लेकिन 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 अगर वो किसी गलती की वजह से फेल हो जाता है इक्विपमेंट जिससे हम ये कंट्रोल करके रिएक्शन रख रहे थे, तो इसका मतलब समझ गए वो अनकंट्रोल्ड है, समझ गए, नॉट पॉसिबल, अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। लेकिन अगर फ्यूचर में हम बना भी पाए, लेकिन अगर उसके साथ साथ ये कभी गड़बड़ी हो जाए, जैसे आपको तो पता ही है कभी कहाँ पे न्यूक्लियर वो निकल जाता है मटेरियल इंसानों से गलती की वजह से, और ये अगर इसमें गलती हुई तो आप समझ जाओ खुद ही कि इसमें गलती हुई तो उस गलती का भुगतान कितना बड़ा होगा, ठीक है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में धमाका होगा और कितनी ज़्यादा हीट और कितनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, किसी के ना तो घर को छोड़ेगा ना किसी को मतलब जिंदा छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है। अब देखो एडवांस ये है दोस्त, मतलब ये जो टॉपिक था वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है, ये जो दो पॉइंट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनको ध्यान से देखो। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यूजफुल एनर्जी फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, समझिए मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूल डालेंगे और लेकिन हमको एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। वंस द न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम लाइक इज लोडेड इनटू रिएक्टर द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन गो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फॉर 2 to 3 ईयर फॉर अ स्ट्रेच, समझ गए, मतलब 2-3 साल तक कंटिन्यू देता है वो, ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक सेकंड के लिए बंद कर देंगे हम बीच में, कंट्रोल ही नहीं कर पाते उसको, बस हम मॉडरेट कर सकते हैं कि इतनी चाहिए इतनी पे कर दो सेट, इतनी चाहिए और ज़्यादा कर दो, लेकिन 3 या 2 साल तक तो कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगा। देयर इज नो पुटिंग इलेक्ट्रॉन फ्यूल अगेन, मतलब इसमें रिफिलिंग वगैरह कुछ नहीं होती, समझ गए, सीधा बंद वो तब होगा जब उसका बैरियम क्रिप्टन कंप्लीट बन के हो चुके होंगे, ठीक है। यूरेनियम 235 इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस, ये अच्छी बात है इसकी, देखो समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा अर्थ का, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सल्फर जैसी गैस सल्फर डाइऑक्साइड जो है कुछ नहीं ऐसा डाल रहा जो उसकी वजह से, मतलब देखो सल्फर डाइऑक्साइड किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही थी जब टॉपिक पढ़ रहे थे एसिड रेन को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये क्या कर रही थी हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज कर रही थी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में क्या हो रहा है कि दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही ना दोस्त ये सल्फर डाइऑक्साइड हो रही, तो ना तो ये एसिड रेन को प्रमोट कर रही ना ये ग्रीन हाउस गैस मतलब इफेक्ट को प्रमोट कर रही है, ओके। अब दोस्त इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो हैं, समझ गए, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आएंगे। देखो ये पढ़ा देता हूँ, जब इसमें हम एडवांटेज में कुछ चीज़ देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा, तब को हमको तो ये अच्छी बात लग रही थी, लेकिन दोस्त इसका कुछ बहुत गलत इफेक्ट भी है। देखो मैं क्या बोल रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम क्रिप्टन में, ये अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव का मतलब समझ गए रेडिएशन रिलीज करेंगे, और अगर दोस्त ये समझने का ट्राई करो इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ, मतलब ये कुछ ऐसी जगह पे नहीं रखा गया जहाँ पे आबादी नहीं है जानवर वगैरह कुछ भी नहीं है तो ठीक ठीक है, लेकिन सपोज करो लीकेज हो जाए या कोई मतलब सपोज करो हम आज का तो मतलब यार ह्यूमन लोग जो होते हैं वो मतलब समुद्र के बीच में जाके इसको डिस्पोजल करके आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से शील्डिंग करेंगे प्रॉपर और उसको पानी समुद्र के बीचों बीच डालाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्त खतरा भी तो है, खतरा ये है कि अगर सपोज करो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है समझ गए पानी में जो रह रहे हैं मछली बड़ी बड़ी व्हेल मछली है शार्क हैं जो भी हैं, सपोज करो वो जो पूरा का पूरा डिब्बा है जिसमें उन्होंने डिप डिस्पोज करने का फेंका है वो ही किसी मछली ने खा लिया, समझ गए, और उस वो तो मरेगी मरेगी, उसके आने वाली जनरेशन के साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर समझ गए ना मतलब ये हेरिडिटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समझ गए रिस्क को। और दूसरा देखो देयर इज ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, समझ गए अगर इसका एक्सीडेंट होता है दोस्त बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है ना, क्योंकि समझ गए इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और कहाँ पे ज़्यादातर रिस्क है समझ गए ये है ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, बिकॉज दोस्त वो पुराना हो चुका है पुरानी टेक्नोलॉजी है, कुछ थोड़ा बहुत लीकेज हो गया समझ गए तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो वहाँ पे बहुत बुरा डैमेज कर सकता है, बहुत बुरा डैमेज का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्त, अगर रेडिएशन वहाँ पे जहाँ पे फैल जाता है ना कभी गूगल पे सर्च करके देखना, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी ये वाली जो जगह हैं इनके वहाँ पे मतलब अभी भी कैसी लाइफ मतलब आती हैं, ठीक है, वहाँ पे दोस्त मतलब हेरिडिटी में चेंज करके फेंक दिया ये जो न्यूक्लियर बम हुआ था, मतलब वहाँ पे अभी तक भी लोग ठीक से पैदा नहीं होते, जो बच्चा पैदा होगा या तो वो बेचारा जिएगा बहुत मुश्किल से, लेकिन अगर जिया भी तो उसके या तो किसी इंटरनल बॉडी पार्ट का डैमेज है या किसी बॉडी पार्ट को अच्छी तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, मतलब इस टाइप से प्रॉब्लम्स अभी तक भी फेस करनी पड़ रही हैं।
थर्ड इसकी डिसएडवांटेज है दोस्त, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई आसानी से नहीं बनते, इनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो इनिशियल है वो बहुत ज़्यादा है, समझ गए। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे नहीं है 2-3 हज़ार रुपये या 10-20 हज़ार रुपये में बन जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए लिमिटेड है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्त, ये सारे के सारे जितना भी मैंने पढ़ाया सारे के सारे, देखो ये MeV वगैरह वगैरह, वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, देखना सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं अभी तक पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो सब मतलब कहने का मतलब ट्राई खुद भी करो, अगर नंबर स्कोर करने हैं दोस्त, नंबर तुमको स्कोर करने हैं तो ट्राई भी तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो जो सैंपल पेपर उठाना किसी भी प्रीवियस, सबसे पहले सैंपल पेपर लो, देखो जो चैप्टर पढ़ाया उसका, पहले तो ये जो बताता जाता हूँ ना, देखो पढ़ने का तरीका क्या है, उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ, जो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, जो जो मैं बात रिपीट करके बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो तो जरूरी रिपीट करना हर चीज़ को। फिर उसके बाद में जैसे लेक्चर खत्म हो देखना कि क्या क्या बताया था, मतलब आप रिटेन कर पाए क्या। फिर उसके बाद में समझिए, उसके बाद में क्या करना है आपको, सैंपल पेपर उठाना है और क्वेश्चन देखने हैं कि जो जो मैं बता रहा था कि क्या वो सच में मिल रहे हैं क्या। आप क्या देखोगे कि 99% ज़्यादा क्वेश्चन सेम एज इट इज वहाँ पर रखे हुए मिलेंगे, बिकॉज मैंने भी 10th पास करी है और अच्छे नंबरों से करी है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि यही चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगी, और अभी तक मेरे को याद है, इतने साल पहले पढ़ी हुई, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन करना जब ही हो पाएगा, ऐसे कहानी मतलब कथा पढ़ते रहोगे ना कुछ भी फायदा नहीं है, भूल जाओगे 2-3 दिनों में, जो बोला है वो करना, ठीक है। और एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ये चीज़ अब देखो, बस इसमें ये बताएगा कि यार ये जो हम इतनी सारी एनर्जीज वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं यूज़ करने के लिए अपने, और तो इससे मतलब एनवायरनमेंट पे भी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अब देखो ये रॉकेट लॉन्च होते हैं, ये मतलब हमारी ये जो ओजोन लेयर होती है इसको क्रॉस करके जाते हैं, तो वहाँ पे होल क्रिएट कर देते हैं, समझ गए। तो उससे जब रेडिएशन डायरेक्ट आएगा किसी अर्थ की किसी जगह पे, और वहाँ पे इंसान हुआ ना, वहाँ पे जो होल के सपोज करो होल क्रिएट कर रहा है काफ़ी बड़ा, ठीक है, उससे सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ के ऊपर जहाँ पे भी गिर रहा होगा। एक ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक जगह है, उसमें ऐसे होल काफ़ी बड़ा है, वो सबसे दुनिया का मतलब अर्थ का, तो वहाँ पे दोस्त अगर कोई इंसान उस धूप के नीचे आ जाए ना, तो वहाँ पे पता क्या हो जाता है दोस्त, स्किन कैंसर हो जाता है, समझ गए ना। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये जो हम कर रहे हैं इनसे एनवायरनमेंट में कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसी टाइप की बीमारी जनरेट हो जाएंगी, स्किन कैंसर जैसी। ये जो ओजोन लेयर है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, पढ़ोगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कभी किसी चैप्टर में, और हाउ विल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ लास्ट, ठीक है। इसमें ये पढ़ रहे हैं कि कब तक ये एनर्जी टिकेंगी, ठीक है, एनर्जी जो हमारी अर्थ के ऊपर है, ओके। और फिर देखो इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो स्विच ऑफ लाइट लैम्प्स सच अप्लायंसेस नॉट नीडेड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग इम्पैक्ट फ्लोशंस। मतलब हमको ना हर चीज़ में थोड़ा एडवांस टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। अब सपोज करो कोई अभी भी मतलब इस 2020 में भी अगर कोई इस टाइप की चीज़ें यूज कर रहा है, क्या बोलते हैं ट्यूब, कोई 500 वाट की ट्यूब जो होती थी पहले, ठीक है, मरकरी जिसको बोलते हैं, और सपोज़ करो बल्ब जलाने लगा वो पीले वाली लाइट वाला, तो देखो उससे एक तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, ठीक है, और उजाला हमको बेकार वाली क्वालिटी का मिल रहा है। लेकिन CFL क्या है, देखो CFL की फुल में याद रखो, कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प, ठीक है। इसमें एक तो लाइट जो मिल रही है वो अच्छी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई खतरनाक नहीं है, आंखों के लिए भी सही है और दिखता भी अच्छा है, सब वाइट लाइट है, ओके। फिर इसके बाद में गुड क्वालिटी स्टोव शुड बी यूज बर्न फ्यूल लाइक केरोसिन LPG सो दैट ऑप्टिमम मैक्सिमम, ठीक है, हमको अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए जिससे कि हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिल सके। हमने LPG और ये केरोसिन वगैरह को हम बर्न करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किस चीज़ में वेस्ट हो रही है, कुछ हीट में अलग जा रही है जो हमको हमको ऑप्टेन करनी चाहिए। तो कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टोव वगैरह यूज होने चाहिए बर्निंग के लिए भी। प्रेशर कुकर शुड बी यूज फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए, बिकॉज आप सोचो ये जो खाना पकता है एक कोई ऊपर से मतलब उसको ढक के और एक बंदा उसको खोल के खाना पकाने लगे तो किसका ज़्यादा जल्दी पकेगा, जो बंद करके पक रहा है, बिकॉज उसकी हीट उसमें कैप्चर्ड है, वो हीट जो है वो अपने आप ही उस खाने को पकाएगी बहुत ही जल्दी, तो इसका जो टाइम है वो बच जाएगा, समझ के कहने का मतलब। और जो खोल के ऊपर ऐसे भाप पानी उड़ा रहा है तो उसका तो खैर देखो आप समझ चुके होगे कि एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, समझ गए, मतलब फ्यूल की एनर्जी को एनवायरनमेंट में भेज रहा है और खाना वो और भी ज़्यादा टाइम लगा रहा है पकाने में, मतलब दो दो डिसएडवांटेज, टाइम भी वेस्ट कर रहा है अपना, पैसा भी वेस्ट कर रहा है
और अच्छी तरीके से खाना भी नहीं पक रहा उसका। फिर है सोलर कुकर शुड बी यूज फॉर कुक फूड वेन एवर पॉसिबल एंड सोलर वाटर हीटर्स शुड बी यूज। मतलब ज़्यादातर हमको ना दोस्त हमको क्या करना चाहिए, सोलर से रिलेटेड करना चाहिए। इस चैप्टर की देखो एंडिंग आ चुकी है हमको, अब इतना तो समझ में आ चुका होगा ना, इतने वीडियो लेक्चर हमने मतलब सबसे ज़्यादा लेक्चर इसमें ही बने हैं, आई थिंक 10 लेक्चर 10वां लेक्चर दिया है। ओके तो इतना ज़्यादा एडवांस इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया था इस चैप्टर में दोस्त, इसका रीज़न सिर्फ यही था कि तुमको यार आगे तक का विजन तो क्लियर होना चाहिए ना कि यार पढ़ते कैसे हैं और ये मतलब हर चीज़ में काम आएंगी, ये ऐसा नहीं है सिर्फ 10वीं में। अभी तक जो इंजीनियरिंग है ना मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि उसमें भी आ रही है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब कि अब ये मैंने इतना बड़ा क्यों चैप्टर खींचा था। द यूज ऑफ बायोगैस एज फ्यूल शुड इनकरेज इन रूरल एरिया, ठीक है। बायोगैस जो है उसको हमको इनकरेज करना चाहिए। अगर सपोज करो आप गांव से देख रहे हो, तो मैंने बताया था ना गोबर गैस वाला इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छी तरीके से, उसको आपको मतलब अपने घर में सजेस्ट करना चाहिए कि पापा जी या जो भी हैं आपके घर में जिन्हों के पास ये भैंस वगैरह हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो आप भी, ठीक है। आपका रोल है कि पापा जी ये इसमें ये चीज़ होती हैं, आप इसको ट्राई करके देखो, एक बार का खर्चा है लेकिन इससे जो एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके फिर इसमें 7 पॉइंट है बाइसिकल शुड बी यूज, मतलब हमको साइकिल वगैरह यूज करनी चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ऐसा नहीं कि दोस्त हर चीज़ के लिए आप कोई बाइक भगा रहा है, कोई स्कूटी भगा रहा है, कोई कार लेकर जा रहा है, समझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यार वो उससे तो हमारे पेट्रोल वगैरह ये बहुत और भी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे। फिर देखना मतलब अगर कितनी ज़्यादा क्राइसिस, अभी जो पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं इसके ऊपर ये भी एक रीज़न है बिकॉज हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखो दोस्त डिमांड का कंसेप्ट यहाँ पे चलो मैं नहीं समझाता हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है ना वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ते हैं कुछ चीज़ों के, ठीक है। और लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे कुछ चीज़ों के प्राइस भी कम हो जाते हैं। जैसे सपोज करो ये जो आप एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर देखो पेट्रोल केस तो समझ में आ गया, अब लोगों के पास कार ज़्यादा होती जा रही है, पेट्रोल कोई ज़्यादा लंबी टूर पे जा रहा है तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ से पेट्रोल लाना भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है हमारी, तो इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन फ़ोन वगैरह में क्या है, मोदी जी ने कह रखा है डिजिटल इंडिया, यहाँ पे आके फ़ोन बनाओ, फ़ोन के प्राइस क्या होते जा रहे हैं सस्ते, मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह लगते थे ना इम्पोर्ट वगैरह के वो सारे के सारे कट हो गए, फ़ोन कितने सस्ते में आने लगे। आजकल फ़ोन 7-8 हज़ार में भी आने लगे, लेकिन आज से अगर 5 साल या 6 साल पहले अगर देखते ना तो आपको पता चलता कि ये जो फ़ोन आप 10 हज़ार में चला रहे हो इस फ़ोन की कीमत आपसे 5 साल पहले कम से कम बताऊँ अराउंड अराउंड 40-45 थाउजेंड इतना अमाउंट होता उस फ़ोन का एक का ही। ओके दोस्त ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो इस वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो पढ़ना कैसे है दोस्त। सबसे पहले जो जो चीज़ मैंने ये 9 या 10 लेक्चर बताए अभी तक, सीधी सीधी बात है स्टार्टिंग से देखना और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना, जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट करते जाना, जो आपको पहली बार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसको भी आप तुरंत के तुरंत नोट करना। बहुत ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ चीज़ मैंने हाईलाइट ना करी हो उनको तुरंत अपने पेज पर नोट करना, ठीक है। फिर उसके बाद में वीडियो लेक्चर जैसे ही ख़त्म हो फिर देखो उसको कि हाँ ये चीज़ इसमें क्या नाम है मैंने अपने माइंड के अंदर रिटेन कर लिया। फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेना जो भी है जैसे भी आपका मन करे, फिर पढ़ने बैठना सैंपल पेपर या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले थ्योरेटिकल वाले पोर्शन देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल जो मैं फॉर्मूले के हेल्प से कुछ कुछ ड्राइव भी करके दिखाया था, मैंने सॉल्यूशन भी करके दिखाया था इस साथ साथ, तो उनको आपको ट्राई करना है अपने आप, ठीक है। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे ये मैं गारंटी देता हूँ अभी के अभी कि जो मैं पॉइंट हाईलाइट करा रहा था, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइट ये ऐसे ऐसे करके डिनोट कर देता हूँ ना, ये ही वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस बात की आप टेंशन मत लो। तो इस चैप्टर को चलो यहीं पे ख़त्म कर दें दोस्त। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले चैप्टर या कोई मैं और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालने वाला हूँ इस चैनल पर, सबकी नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके थैंक यू।